26 जनवरी गाइस, तो एंजॉय करो। और क्या बोलो, संडे के दिन आ चुका है, छुट्टी तो इसी बर्बाद हो चुकी थी, ऑफिस का छुट्टी गया। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, जिसका नाम है असद शो। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, या फिर आपको एक मिलाने वाला एक बंदे से जो एक सेलिब्रिटी बन चुका है। तो उसने एक्चुअली ऐसा काम किया है कि आप देखोगे तो आप खुद भी टेंशन में आ जाओगे कि उसने क्या क्या किया हुआ है। तो आओ चलो उसको मिलाते एक सेलिब्रिटी से। तो अभी मैं जा रहा हूँ उस बंदे से मिलने जो अभी सेलिब्रिटी बन चुका है। और जो भी हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे होंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह, तो उनको पता होगा कि कौन है बंदा। तो अगर नहीं फॉलो करते हो तो यहाँ पर ये आईडी है, ये आशीष का आईडी है, सचिन का आईडी है, मेरा आईडी है। तो आगे फॉलो करो, आपको पता चल जाएगा कि क्या हम कर रहे थे इतने दिन से, और अभी वो सेलिब्रिटी कैसे बना, क्यों बना, और उसने क्या क्या किया हुआ है, क्या हासिल किया हुआ है। तो मेरे सामने ही खड़ा है वो बंदा अभी जो जिसको मिलने वाला हो। और जब से वो बना है सेलिब्रिटी, तब से उसका जो 30 इंच का जो सीना होता है नॉर्मली, वो 40 का हो चुका है। तो मैं मिला तो सेलिब्रिटी साहब को, ये देखो खड़ा सेलिब्रिटी। कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, कॉन्ग्रेचुलेसन भाई। कैसे कैसे बना सेलिब्रिटी बताओ अपने। पहले मैं पुणे गया, फिर वहाँ पे बहुत परेशान। पुणे जाके तो इतने दिन से तुम कहाँ गायब थे, क्या कर रहे थे भाई? आ रहा अचानक इतनी खुशखबरी कैसे मिली? यहाँ पे था मैं, मुंबई में था, कहीं गया नहीं था। तो कुछ बताओ, जनता को बताओ कैसे आपने किया, क्या क्या किया बताओ जरा। तो अभी वीडियो में आया हो, जरा ब्लॉग शुरू किया, आओ थोड़ा बताते, बैठो जरा, कुर्सी वुर्सी लेके। सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो, नीचे सब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और मुझे तो पता है इसने क्या किया हुआ है, तो अभी Q&A करेंगे, मैं आपको बताऊँगा कि इसने क्या क्या किया हुआ है, क्वेश्चन पूछेंगे इसको। तो चले आइए शुरू करते वीडियो को। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, जैसे तुम लोग सबको पता नहीं है बिल्कुल भी। सो लास्ट 3-4 हफ्तों से मेरा कुछ चल रहा है। सो आज फाइनली वो अटेम्प्ट वो डे आ गया है कि एग्जैक्टली क्या है। सो मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है, मैं लास्ट 3 हफ्ते से हम लोग का रिहर्सल चल रहा है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटैम्प्ट करने के लिए। सो वी आर अटैम्प्टिंग 1000 पीपल परफॉर्मिंग अंडर वन रूफ, 1000 म्यूजिशियंस जो होंगे वो एक रूफ के अंदर परफॉर्म करेंगे। सो अभी मैं जो हूँ वो लोकेशन पे तो आ गया, अभी आपको बता दो यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी। और ये मेरा गिटार है, आप देख सकते हो गिटार। और ये लोकेशन पे पहुंच गया, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। मिलते हैं अंदर, फ़ोन शायद अलाउड नहीं है। सो जो भी होगा मैं आपको अपडेट बाद में करूँगा। सो लेट्स सी। सो फाइनली इट्स टाइम फॉर द फर्स्ट टेक। अभी मैं आ रहा हूँ तुम लोग को बताते हुए। कभी किसी को एक साथ 1000 लोगों को एक ही कपड़ों में देखा है क्या? कभी नहीं ना। आज दिखाता हूँ तुम सबको, देखो, देख लो, सबको देख लो, सब एक ही कपड़ों में दिखेंगे जितने भी बैठे हुए हैं। देख लो, जिन्होंने नहीं पहने उनका चेंज करने का बाकी है। तो अभी अंदर जा रहे हैं, फ़ोन बंद करना पड़ेगा, वापस से स्नीक पिक दिखाते रहूँगा आपको क्या चल रहा है। सो बिफोर आई स्टार्ट आस्किंग आशीष को कि उसने क्या क्या हासिल किया हुआ है, तो मैं आपको एक थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल ये एक इवेंट में परफॉर्म करने गया था। तो जो इवेंट का नाम है वो था दी लाइव 1000 एक्सपीरियंस। और ये फुल म्यूजिशियन का बैंड था, पूरा इवेंट था ये। और जो इवेंट जिसके लिए परफॉर्म किया गया है ये है द फॉरगॉटन आर्मी। तो अभी जो सीरीज़ ऑलरेडी आ चुकी है अमेजॉन प्राइम पे, तो उसके लिए इसने परफॉर्म किया हुआ था। और एक आपका परफॉर्मेंस ही नहीं था, वो परफॉर्मेंस से हमने हासिल किया है एक जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये अभी हासिल कर चुका है जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। और जो कि सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो हासिल किया हुआ है भाई ने। और सर्टिफिकेट भी मिला है, सब कुछ मिला हुआ है। और भाई का सीधा भाई, भाई बड़ा भी भाई अब रुलाएगा क्या भाई की इज्जत बढ़ा दी इसमें। तो मैं आपको पूछूंगा इसको कि भाई किसने कैसे स्टार्ट किया है, स्टार्ट कैसे हो, आपको पता कैसे चला इसके बारे में? ये मेरे को पता चला मेरे सर से, ठीक है। फिर वो एक्चुअली उनके लिए ऑडिशन थे सर, तो ऑडिशन में ऐसा था कि मुझे प्ले करके बताना क्या था कि भाई मुझे क्या क्या आता है। तो मैंने जो है मेरा गिटार का एक वीडियो उनको भेजा था। अच्छा। उसके थ्रू लाइक वो ऑडिशन के थ्रू मैं सिलेक्ट हुआ था। ओके ओके, तो ऑडिशन के थ्रू आपने सिलेक्ट किया है? हाँ। तो आपने वीडियो भेजा था आपका? जी। ओके ओके, तो आपको हेड्सअप देना चाहूँगा कि पिछले ये 7 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, पिछले 7 साल से गिटारिस्ट प्रैक्टिस कर रही है और इसकी मेहनत अब जाके रंग लाई है। तो कैसा लग रहा है आपको? ऐसा कुछ नहीं, लाइक मैं म्यूज़िक में तो काम कर ही रहा हूँ ऑलरेडी, बट क्या है ये लाइक जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो ये था, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हाँ। तो आशीष, आप जो ये बोल रहे हो कि आप टोटल 1000 लोग आपने परफॉर्मेंस किया, पूरा ये इवेंट किया, तो ये इवेंट मतलब आपने कहाँ पर किया और कैसे? बिकॉज आई फील जो 1000 लोग हैं उनको कोऑर्डिनेट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो लोकेशन वगैरह या फिर आपने कैसे स्टार्ट किया, तो बताओगे आप कैसे किया आपने? तो ये हम लोग का चल रहा था लिटरली 3 हफ्तों से। ओके। एवरी वीकेंड हम लोग जाते थे सुबह सुबह जाते थे। अच्छा। सुबह जाके पहले तो वो लोग हम लोग का फोन सबमिट कर लेते थे, पूरा दिन विदाउट फ़ोन रहते थे, इसलिए मैं कुछ डाल भी नहीं पाया सोशल मीडिया पर कुछ। हाँ गाइस, तो अभी जितना हम लोगों ने चाहा कि हम शूट करें उतना हम लोगों ने किया हुआ है, अपने हिसाब से हमने किया हुआ है, तो आप देखोगे वो क्या क्या है, ठीक है? क्योंकि फ़ोन ही अलाउड नहीं था। हाँ, क्योंकि एक्चुअली गाइस जैसे मैं आपको बताया मैंने कि जो फॉरगॉटन आर्मी था उसके ऊपर था ये तो सीरीज आने वाली, तो कहीं कॉपीराइट ना हो जाए, क्या लीक ना हो जाए, तो इसलिए इसके कारण किया हुआ है। ओके ओके ओके, तो ये लोकेशन कहाँ पर था? ये हमारा परफॉर्मेंस जो रिहर्सल था वो जोहू में होता था, जोहू चंदन सिनेमा। ओके ओके, जोहू चंदन सिनेमा में यहाँ पर। और जो फाइनल हमारा जो हुआ था वो ट्यूलिप स्टार में हुआ था। अच्छा, तो फाइनल अलग इवेंट था। हाँ, तो फाइनल इवेंट अलग जगह था। तो आशीष, आप जो ये बोल रहे हो कि 1000 आपने परफॉर्मेंस किया पूरा, ठीक है, 1000 लोगों ने, तो ये सिर्फ आप गिटारिस्ट थे या फिर कोई और भी परफॉर्मेंस थे? मतलब ये देखिए मैं बताता हूँ। अच्छा। 1000 का लाइक कट डाउन करके बताता हूँ। ओके। टोटली हम लोग थे 650 सिंगर्स। 650 सिंगर्स गाइस, और जो गिटारिस्ट थे वो 270 प्लस गिटारिस्ट थे। 270 गिटारिस्ट थे। ओके। यार मैं भी खुद हैरान हो गया था, इतने सारे गिटारिस्ट। मैं सोचा यार बॉम्बे में इतने सारे गिटारिस्ट थे, कहाँ से थे इतने दिनों से? 270, तो आपने ये सब कोऑर्डिनेट कैसे किया? मतलब संभालना तो बहुत मुश्किल होगा ना भाई। हैट्स ऑफ टू मैनेजमेंट जो जिस तरीके से उन्होंने किया है। ओके। और जो ड्रमर्स थे, ओके, ड्रमर्स 40 ड्रमर्स थे। ओके। परकशन प्लेयर्स, आपको अगर पता हो परकशन क्या होता है, काहून या जो ऐसे एक साउथ अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट जो नहीं होता। ओके ओके, हाँ समझिए। हाँ, वो जो एक छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट जो प्ले करते हैं परकशन प्लेयर्स थे, वो थे कुछ 20। ओके। ऑलमोस्ट ऐसे सब कुछ मिला के उसमें स्ट्रिंग सेक्शन भी था, जो वॉयलिन वगैरह जो बजाते हैं वो, ट्रम्पेट, सैक्सोफोन बजाने वाले थे, 2 सितार प्लेयर थे, ओके, एक बेस प्लेयर था। सो ऐसे ऑल ओवर मिला के हम लोग टोटल 1043 लोग थे। 1043? यस। ओह, तो ये बहुत बड़ा इवेंट हो चुका है मतलब। हाँ बिल्कुल, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा इस। तो 1000 लोग तो रहना पॉसिबल तो बनता ही है ना फिर। भाई ने इज्जत बढ़ा दी है। तो आशीष, जैसे कि मैं आपको सोशल मीडिया में ऑलरेडी फॉलो कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर मैंने चेक किया कि आप वहाँ पर बड़े सारे लोग आए थे, बड़े काफ़ी बड़े नामदार लोग आए थे। तो जैसे कि मैंने देखा कि म्यूज़िक कंपोजर प्रीतम दा, फिर सनी कौशल, और फिर बाद में हमारे जो आरजे है सिद्धार्थ कन्नन वो आए हुए थे, कबीर खान इतने बड़े डायरेक्टर है वो भी आए हुए थे। तो इनका सब क्या रोल था, मतलब बता पाएंगे आप? कि देखिए कहता था ना, जैसे बताया कि ये फॉरगॉटन आर्मी के लिए था। ओके ठीक है। तो फॉरगॉटन आर्मी का जो भी पूरा जो म्यूजिक जो है, अगर आप देखते हो कबीर खान की कोई भी मूवी का जो भी म्यूजिक होता है वो कम्प्लीटली प्रीतम दा करते हैं। ओके। तो जो म्यूजिक जो था और जो सॉन्ग हमने परफॉर्म किया वो प्रीतम दा का कंपोज किया हुआ सॉन्ग था। ओके ठीक है। और जो फॉरगॉटन आर्मी है वो डायरेक्टर और राइटर वो दोनों भी कबीर खान है। ओके ओके ओके। ये स्टोरी उनके दिमाग में बहुत कई सालों से थी, जैसे उन्होंने वहाँ पे इवेंट में बताया था। ओके। तो ये उनका था। और आरजे नावेद तो जो था, हाँ नहीं आरजे नावेद ने, आरजे सिद्धार्थ कन्नन, तो जो आप फॉलो कर रही होंगे उनको, सिद्धार्थ जो थे, हाँ यार उनकी आवाज़ मतलब अलग अलग लेवल है यार, अलग लेवल। लिटरली जब वो स्टेज पे आए बोलने के लिए, बाय गॉड। तो आप जो फॉलो कर रहे होंगे उनको आपको पता होगा कि वो क्या कैसे किस्म के इंसान है, उनकी आवाज़ क्या है, क्या तगड़ी आवाज़ उनकी। तो भाई जिसको आपको पता होगा कि जो फॉरगॉटन आर्मी एक सीरीज़ आने वाली है उसके लिए इसने परफॉर्म किया हुआ है। तो जो जो हमें ऑलरेडी सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, उन्होंने सिर्फ पिक्चर्स वगैरह देखे होंगे। तो हम लोग एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको प्रेजेंट करेंगे, आप जाके चेक कर लो। अगर आपको अच्छा लगे तो बताओ कैसा लगा आपको, ठीक है? तो जाओ वीडियो देखो, जाओ वीडियो देखो फिर अभी। Adjudicator from Guinness World Records. This was the official Guinness World Records attempt for the largest Indian cinematic music band, and with 1,046 participants, you have set a new Guinness World Records title. Congratulations! I have never seen something like this. The night I'll never forget. तो कैसा लगा वीडियो बताओ, कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो। इतना बड़ा इवेंट जो हुआ ये, एक्चुअली इसमें तो पूरा लाइव एक्सपीरियंस करके आया हुआ है। बस तुमको यार एक छोटा सा वीडियो दिखाया कि क्या था। ओरिजिनल जो इवेंट हुआ था वो बहुत बड़ा हुआ था। हाँ। तो वो अलग लेवल एक्सपीरियंस है यार, बहुत अलग। एक्चुअली मेरे गूज़बम्प खड़े हो गए थे जब मैंने ये वीडियो देखा, बट ये भाई ने तो लाइव एक्सपीरियंस करके आया हुआ है। तो बताओ ये व्लॉग कैसा लगा आपको, ठीक है? कमेंट करके बताओ, और वीडियो के बारे में भी कमेंट करो। और नेक्स्ट इंटरव्यू किसका लेना वो भी बता देना। नेक्स्ट इंटरव्यू उसका लेंगे जाके, भाई सेलिब्रिटी बन चुके, अभी कोई और बड़े सेलिब्रिटी से जाके थोड़ा इंटरव्यू करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, ज़्यादा पसंद है तो शेयर कर दो, और जाके सब्सक्रिप्शन कर दो, जाके जरा सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। बेल घंटा दबाओ ज़्यादा जाके। और हैप्पी रिपब्लिक डे। हाँ 26 जनवरी गाइस, तो एंजॉय करो। और क्या बोलो, संडे के दिन आ चुका है, छुट्टी तो इसी बर्बाद हो चुकी है, ऑफिस का छुट्टी गया। चलो भी कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हैप्पी रिपब्लिक डे।